अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज की हमारा लेक्चर एक बड़ा डिफरेंट सा लेक्चर होगा जो है ना, क्योंकि वो होगा बेसिकली पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर। ठीक है, आपने किस तरह पेपर करना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है आपकी जो है ना, आपके एग्जाम की, कि आपने पेपर किस तरह करना है जो है ना। आप जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी सीख लो, जो है इवेंचुअली इट बॉक्स डाउन टू कि आप जब बैठोगे उधर, आप जब करने की कोशिश करोगे, आप कितना अच्छा उसको प्रेजेंट कर पाते हो, कितना अच्छा कर सकते हो। अब इस लेक्चर में मैं एक लेक्चर होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आप इसको गौर से सुनना, बार बार सुन लेना लेक्चर को, बट मैं कोशिश करूंगा कि अपना ही एक पास पेपर जो है वो मैं इधर लेके आया हूँ आपके लिए, आपके सामने जो है। और इस पास पेपर के थ्रू जो है ना, मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यार मॉक आपने किस तरह करना है, आपने मार्जिन कहां लगानी है, आपने फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं, आपने हेडिंग्स कैसे बनानी है, सब हेडिंग कैसे बनानी है। देखो, आपका एग्जाम का कंटेंट हो सकता है कई दफा अच्छा हो सकता है, कई दफा ना अच्छा हो, बट मैं पूरी कोशिश करना चाहता हूं कि आपकी एटलीस्ट प्रेजेंटेशन ठीक हो, आप जिस तरह से वो करते हो ठीक हो। ठीक है, उसमें सबसे पहले पेपर के अंदर ऑब्वियसली आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को जो है आप देखते हैं, आप देख के जो है ना बनाते हैं। अब एक चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की थी वो थी ये टाइम की। अब मैं इस टाइम की के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि टाइम की क्या है। देखो, सबसे पहले आप इमेजिन करो अपने साथ आपको कि आप जो है ना पेपर में बैठे हो इस टाइम। ठीक है, आप आए हो पाकिस्तान अफेयर्स का, ये आपके लिए जान के मैं पाकिस्तान अफेयर्स लाया हूँ क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स पाकिस्तान अफेयर्स के थे, तो आपको एक स्पेसिफिक गाइडेंस मिले उस लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा, अब आपके सुबह 9 बजे आपका एग्जाम शुरू हो गया, 9 बजे एग्जाम आपका शुरू हुआ, 9:10 से 9:15 भी हम सारी चीजों के ऊपर आएंगे एमसीक्यूज के ऊपर, 9:10 से 9:15 आपने एमसीक्यूज करने हैं। 10 से 15 मिनट एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, आप आराम से उनको एमसीक्यूज को जो है ना उसके अंदर कैटर कर सकते हो, इससे ज्यादा वैसे भी टाइम नहीं मिलता, 9:20 के करीब वो वैसे ही आपसे खींच लेते हैं। ठीक है, पेपर से थोड़ा सा पहले आओ ताकि आके आप उनसे शीट्स मांगो और आप मार्जिन्स लगा लो। ठीक है, सारे के सारे पेपर जितने आपको मिलते हैं एक बुकलेट में, आप सारों पे मार्जिन्स लगा लो ताकि बाद में आपका टाइम बच जाए। ठीक है, मिल जाती है 9:15 से 10 बजे तक 45 मिनट्स है आपके पास। 45 मिनट्स इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले सवाल का क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहला सवाल का क्राइटेरिया सिर्फ यही नहीं होना चाहिए जो मुझे सबसे अच्छा आता है वो यार मैंने सबसे पहले करना है, उसका क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए कि जो मुझे जो है ना सबसे अच्छा तो आता ही है, बट जिसके अंदर मेरे पास एक ऐसा कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, ऐसी कोई चीज है जिससे मैं अपने आप को मुख्तलिफ कर सकूं जो है ना बाकियों से, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जो है ना उसके अंदर आपने बात करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस्लामियात है तो कोई आयत है, कोई हदीस है मेरे पास, मेरा पाकिस्तान अफेयर्स है कोई अच्छा फ्लो चार्ट, कोई मैप, कोई कोटेशन मेरे पास ऐसी है जो कि सीधी स्ट्राइकिंग होगी, क्योंकि देखो पहले सवाल से उनके जहन में एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। पहला अच्छा सवाल होता है तो अगले सवालों पर भी उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, 45 मिनट्स इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मैं क्या करता था, मैं अपने पास पे जो अपना पेपर होता था, पेपर को घुमा के जो है या फिर अपनी किसी रफ शीट के ऊपर मैं एक तेजी से ना क्विक आउटलाइन बना देता था जो है ना, इस तरह से आप जो है ना कश्मीर इशू है आपने जो है ना उसकी कोई वो बना दी जो है ना आपने उसकी एक आउटलाइन बना दी सॉल्यूशंस की। ठीक है, बहुत क्विक अपने रफ के अंदर बिल्कुल सिंगल जो है ना वर्ड्स के अंदर मैं लिखता था और जो है मैं उसको बहुत रफ बनाता था। उसकी वजह यह कि आपको टाइम बचाना है, तो पहले 5 मिनट में लेता था जितना मेरा दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं सबको उतार लिया मैंने उस पेपर के ऊपर। एक दफा मैंने उस रफ पेपर के ऊपर लिख लिए अपने आइडियाज, अब जब मैं शुरू करूंगा तो फिर मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, मैं उन्ही आइडियाज जो मैंने लिखे हैं वो आइडियाज मेरी सब हेडिंग्स है इधर, उनको जो है मैं अपने सब हेडिंग्स बना के उनको एबीसी, अभी आपको समझ आएगी कि कैसे करना है जब मैं आपको दिखाऊंगा, बट एबीसीडी करके आप जो है ना उनको प्रेजेंट करेंगे। दूसरी जो आपने इसके अंदर, ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप रफ में बना लो ताकि बाद में आपको सोचना ना पड़े सवाल के बीच में। ठीक है, दूसरा फिर आपने सवाल शुरू किया 10 से 10:45, फिर दोबारा आपको 45 मिनट्स मिल गए। अब जो है ये टाइम मैं आपको क्यों कहता हूँ कि टाइम रखो, देखो बहुत दफा ऐसे होता है कि आप कहते हो यार पहला सवाल मेरा बहुत तेज निकल गया था, बहुत जल्दी हो गया था जो है ना, मैं बहुत ज्यादा उस पर टाइम गुजार दिया तो इस वजह से मैं जो उसको हैंडल नहीं कर पाया। तो आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने इसके अंदर बहुत ज्यादा इस बात पर फोकस करना है कि आपने जो है अपना पहला सवाल
वो करना जो आपको सबसे अच्छा आता है, जो दूसरा सवाल है वो उसके बाद ऑब्वियसली। लेकिन अगर किसी भी जगह आपका 10 से 10 10 हो रहा है तो आपके जहन में होना चाहिए कि यार अगले सवाल को मैंने 10:45 तक खत्म करना है, ताकि इवेंचुअली अगर आप अपने लिए छोटी छोटी डेडलाइंस रखोगे तो इवेंचुअली आपके लिए बहुत जो है ना हेल्पफुल हो जाएगी ये चीज, ठीक है। उसके बाद आपने 10 से 10:45 तक आपने अपना क्वेश्चन नंबर 2 किया, 10:45 से 11:20 to 11:25 आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। और लास्टली हम लास्ट का मैं आपको बताता हूँ, ये जो है आपका 11:20 to 11:25 आपका 30 to 35 मिनट जो है ना आपके इसके अंदर आपके पास आराम से मिल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, अगर आप अच्छा प्लान करोगे। वरना लोगों को 15 मिनट मिलते हैं आखिरी सवाल के, देखो नंबर तो उतने ही है सारे के सारे सवालों के, तो आपको चाहिए क्या इक्वल इंपॉर्टेंस दो सारों को जो है ना, ताकि आप उसको केटर कर सको। उसके बाद आपका 11:20 से 11:25 ठीक है 12 बजे तक। अब आखिरी सवाल का एक और इम्पोर्टेंट बात सुनो कि वो सवाल नहीं होना चाहिए जो पहला सबसे अच्छा आता है और आखिरी वो जो सबसे बुरा आता है, नहीं, क्योंकि देखो लॉजिक से सोचो कि आखिरी सवाल वो होना चाहिए, वो नहीं जो सबसे बुरा आता है, वो होना चाहिए जिसमें सबसे कम चीजें पूछी गई हैं। The reason is कि आखिरी सवाल में आप पे प्रेशर होता है, आखिरी सवाल आपके लिए मुश्किल होता है, आखिरी सवाल आपको तेजी से लिखना भी है, आपको तेजी से उसको जो है ना कवर अप भी करना है। अब आखिरी सवाल को अगर आप जो है तेजी से खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो है टाइम प्रेशर के अंदर खेल रहे हो और आपने सबसे जो है बुरा आता है वो वाला सवाल कर दिया, तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स सुसाइड बेसिकली जो है ना, आपका तो सवाल गलत हो जाएगा। इट्स वेरी लॉजिकल, आप कोशिश ये करो वो सवाल करो जिसमें सबसे कम, सबसे जो है ना मिनिमम चीजें पूछी गई हैं, मिनिमम, ठीक है। द रीजन फॉर एग्जांपल जैसे आपका कश्मीर का इशू है, तो अगर उससे पूछा गया कश्मीर का इशू क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है, उसका सलूशन क्या है, तीन डिफरेंट डायमेंशन है, तीनों डिफरेंट डायमेंशन को आपने केटर करना है सवाल में, तीनों के मार्क्स सिमिलरली डिवाइड हो जाते हैं। अगर पूछा एनर्जी क्राइसिस है तो उसके जो है ना मसले क्या है, उसकी जो है ना सोल्यूशन क्या है, तो दो हिस्सों के अंदर आपने डिवाइड करना। अब सबसे मिनिमम वाली मैं चीज ये क्या कहता हूँ, अगर लिखा है कि कश्मीर सोल्यूशन के, कश्मीर प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या है, एक बात पूछी है, उस एक बात के ऊपर अगर मैं 10 नहीं 12 नहीं तो कम से कम मैं 8 6 इवन जो है मैं मिनिमम से मिनिमम 5 पॉइंट भी मैं उसके लिख दूंगा, तो कम से कम मैंने उस पर्टिकुलर इशू को तो टारगेट कर लिया ना, मैंने उस इशू को टारगेट कर लिया। तो आपने जो है फौरन क्या करना है कि आपने वो वाला सवाल उठाना है जिसमें सबसे कम से कम चीजें पूछी गई है, ताकि आप उसको टाइम में खत्म कर सको। और वही बात जो आउटलाइन वाली, आउटलाइन कभी भी नीट बनाने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि देखो उसके अंदर पहले ही आउटलाइन ऐसे में बनती है क्योंकि ऐसे कंप्लीट प्रोज होता है, तो उसके अंदर कोई हेडिंग सब हेडिंग्स नहीं होती, इसमें तो हेडिंग सब हेडिंग्स होती है, तो आउटलाइन नीट बनाने की जरूरत नहीं है, रफ में बनाओ अपनी माइंडसेट के लिए, ताकि आपका माइंड कंफ्यूज ना हो विद इन द एग्जाम। उसके बाद आप देखो फॉर एग्जाम्पल जो है ना ये मुझे अब मिला है खिलजी डायनेस्टी, अभी हम शुरू करते हैं, एमसीक्यू का पेपर आया, मैं सारा पेपर तो नहीं करूंगा बट मैं सिर्फ आपको एक दो चीजें बताऊंगा। आपने देखा है कि यार जो है ना आपने मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम कौन से टाइम में आया, अब आप जनरली एक अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे कि यार उमियत्स का क्या टाइम था, बासित का क्या टाइम था, इस्लामिक हिस्ट्री अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी है आप अंदाजा लगाते हो, उससे आप एक गेस करते हो कि यार उमियत होगा। देखो इसके अंदर ज्यादातर अंदाजा भी होता है, बहुत दफा आपको पर्टिकुलर चीज नहीं पता होती है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है कि यार ये तो बना बिल्कुल नहीं हो सकता, अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं हो सकता, जो है ना कुतुबुद्दीन मुबारक, मुबारक तो हो ही नहीं सकता जो है ना वो, तो अब जो है पीछे कौन सा रह गया, अगर आपके जलालुद्दीन और अलाउद्दीन के बीच में है, अब आपकी अपनी नॉलेज या कई दफा किस्मत जो है ना वो आ जाती है, तो आप एलिमिनेशन मेथड भी इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे एमसीक्यूज हो गए, एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादातर बात कहना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे, आप लोग देख लेना जो है ना, अगर आपके एमसीक्यू में 15 तक आ जाए, 12 13 14 15 जो है ना पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, दैट इज गुड इनफ। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपने गौर करना है कि किधर मैंने अपना जो है किस तरह लिखा, किधर मैंने अपना जो है ये अपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग भी है, और किधर जो है मैंने ब्लू मार्कर यूज किया है, किधर मैंने ब्लैक पेन यूज किया है, कहां मैंने अपनी ये जो मार्जिन्स बनाई हैं, और किस तरह मैं खुला खुला करके लिख रहा हूं, ताकि जो है मेरी राइटिंग अगर अच्छी है या नहीं है, और आपकी जो है ना वो स्पेस आउट करने से खूबसूरत लगने लग जाती है, तो इन चीजों के ऊपर करो। आप में से बहुत सारों की राइटिंग शायद उतनी अच्छी ना हो, तो स्पेस आउट करो चीजों को, ठीक है। स्पेस आउट करने की कोशिश किया, आपने खुला करने की कोशिश की जो है ना, एक देखो सेंटेंस के अंदर कम वर्ड्स आ रहे हैं, इससे खुला भी हो जाएगा, पेजेस भी आपके लंबे चले जाएंगे ऑब्वियसली। उसके बाद पेजेस लंबे जाने से ज्यादा आपकी ये चीज है कि आपकी राइटिंग बुरी नहीं लगेगी,
खुली रखेगी। एक देखो ये मैंने ये लाइन छोड़ी, एक मैंने ये लाइन छोड़ी, दो लाइनें मैंने जो है ना बीच में छोड़ी है कोटेशन के, बीच में कोटेशन, बीच में इंडेंटेशन करके नीचे एमएजिना। कोशिश करो इन चीजों को कवर अप करो, ठीक है, इन चीजों को करने की कोशिश करो। नीचे भी देखो ये मेरी दोनों साइडों पे लाइंस है, और जो चीज मैंने जो है ना हाईलाइट करनी थी वो चीज मैंने ब्लैक पेन के अंदर लिखी है, ठीक है। अगर मैं एक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझा दूं तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। मैं जो चीज वो कहते हैं कि डोंट टीच अ मैन हाउ टू फिश, टीच डोंट टीच अ मैन जो है ना, डोंट गिव अ मैन अ फिश, टीच हिम हाउ टू फिश जो है ना, तो वो सस्टेनेबल रहता। तो बात मैं आपको जो है ना ये बताना चाह रहा हूँ कि जो है आपकी किस तरह से जो है ना आप एक जनरली आप चीजों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में यही चीजें लगेंगी। कोई आपने हाईलाइट करनी है ब्लैक पेन के अंदर, आपने वो चीज हाईलाइट कर दी जो है ना आपने। उसके बाद आप देखो आगे में जो है ना, ये देखो आपने बीच में जो है ना मैंने ब्लैक पेन के अंदर चीजें हाईलाइट की है। वापस ऊपर चलते हैं, आप ये जो है ना आराम से जब देखना तो आपको जो है, या शाहरुख से आप रिक्वेस्ट करना, आपको हो सकता है ये जो है ना पास पेपर मिल भी जाएगा, और जो है आप उसको पढ़ भी लेना कि उसको लिखा किस तरह है, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो है ना इंट्रोडक्शन के बाद मैं हमेशा एक लाइन लिख देता था। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि कई दफा आप जो है ना उस एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आप पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस्ड है, पहली बात, ठीक है। उसको पता लग गया सर सैयद एंड द अलीगढ़ मूवमेंट्स नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स डिस्पाइट होपलेसनेस। अब ये सवाल ये होगा कि अलीगढ़ मूवमेंट ने किस तरह से नेशन को बिल्ड किया था, ये जो है बात, ये मेरा सवाल होगा। मैं सवाल में से हेडिंग्स निकालता था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल में से हेडिंग्स निकालो, ठीक है। उसके बाद जो है सर सैयद की अलीगढ़ मूवमेंट वाली बात हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है आपने देखा कि मैंने इसकी इंट्रोडक्शन यहाँ लिखनी शुरू कर दी है, ठीक है। बीच में अगर कोई मैंने यूनिक कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच के जो है मुसलमानों की, देखो कैपेसिटी उन्होंने कहा कि पहले बढ़ा लें मुसलमान इस पोजीशन में तो आ जाए कि वो अपने राइट्स मेंटेन कर सके, पॉलिटिकल राइट्स कर सके। ये बातें मुझे लगा था कि यार इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको ब्लैक पेन के अंदर हाईलाइट किया। ये आप देख रहे हो ब्लू पेन के अंदर लिखा है, ब्लैक में हाईलाइट किया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मेरी पहली सब हेडिंग, उन्होंने क्या कहा कि सर सैयद ने नेशन बिल्डिंग कैसे की होपलेसनेस के अंदर, ये मेरा सवाल था। आपने मुझे देखी कि ऊपर इंट्रोडक्शन, पर्टिकुलरली इस सवाल को केटर करने के लिए वो इंट्रोडक्शन जो है ना उसकी हेडिंग बनी, ठीक है। अब पहली बात तो सबसे पहली समझानी, अब दो पार्ट्स हो गए। पहले उसने कहा डिस्पाइट होपलेसनेस सर सैयद ने नेशन बिल्डिंग की, तो पहले तो होपलेसनेस थी किस तरह की, तो समझाना बड़ा जरूरी है ना, और फिर कि उन्होंने नेशन को बिल्ड कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने कहा होपलेसनेस मुस्लिम्स की किस तरह थी, उसकी मैंने ये दो आपको, ये देखो ये मैंने आपकी क्लासेस में भी बताया था, दो हिस्से हैं, ब्रिटिश एंटागनिज्म, मुस्लिम इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखो किस तरह जो है मैंने इसको मार्जिन के बीच में जो है ना अपने ब्लैक पेन से बनाया, तो हाईलाइट हो रहा है, ऊपर लाइन छोड़ी नीचे लाइन छोड़ी, ठीक है, आपकी नीटनेस एक इम्प्रूव हो गई, ठीक है। मैंने ये बताया कि किस तरह ब्रिटिश के मसलों से जो है ना ब्रिटिश हमारे खिलाफ थे, और किस तरह मुसलमान खुद ये बात एग्री नहीं कर रहे थे कि आप वो जो है ना बादशाह नहीं है। फिर दोबारा देखो W.W. हंटर की जो है मैंने कोटेशन लिखी बीच में करके, ठीक है। आप जो कोटेशन बीच में आती है वो लिखो, इसमें मैप्स वगैरह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सवाल उस तरह का नहीं है, बट मैप्स हो तो डेफिनेटली। मैप्स को किस तरह बनाना है, मैप्स को भी आपने मैप बनाना है तो आपने उसकी बॉर्डर जो है वो आपने ब्लू मार्कर से बनाना है। हो सकता है कि अभी कोई मैप आ भी जाए, इसमें हमने बॉर्डर ब्लू मार्कर से बनाना है और अंदर जो राइटिंग्स हैं वो आप ब्लैक से करो, ठीक है, ब्लैक पेन से। आगे बात समझ में? अच्छा, ये हो गया। मुस्लिम्स आर एंड कंटिन्यू टू बी अ सोर्स ऑफ क्रॉनिक डेंजर फॉर मुस्लिम्स ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये आपका हो गया, ठीक है। सबसे पहले मैंने उनको समझा दिया कि होपलेसनेस कैसी है, लेकिन इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन जो सवाल है वो क्या है, वो है कि सर्विसेज सर सैयद की क्या थी इस होपलेसनेस से निकालने के लिए। मेन यही सवाल था, मैंने डायरेक्टली सवाल को केटर किया, सीधा बात के ऊपर आना है, इधर उधर नहीं जाना। कश्मीर की सोल्यूशन पूछी है तो सोल्यूशन बतानी है, नहीं बताना कि कश्मीर का मसला कैसे राजा हरि सिंह और जो है ना गुलाब सिंह डोगरा से शुरू हुआ। सीधा टू द पॉइंट इसको हिट करो, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि सर सैयद है, ठीक है, उनकी आपने बताया कि किस तरह मल्टी प्रॉन्ग मल्टी फेरियस उनकी जो है ना एक स्ट्रैटेजी थी, किस तरह उन्होंने करना था, ठीक है। तो ये मेरी हेडिंग्स है, हेडिंग्स मैं इस तरह करके लिख रहा होता था जो है ना मार्कर से लिखना, आप इसको साइड पे भी कर सकते हो अगर आपने करना है तो, बट जो है हेडिंग्स मैं मेन ब्लू मार्कर से ही लिखता था। ये बात आपको थोड़ी पता लग जाए, हमने कंटेंट बहुत ज्यादा कवर किया हुआ है अपनी उनके अंदर, तो मैं अभी कंटेंट पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब ये आपका शुरू हो गया है, ठीक है।
अब ये सर्विसेज आ गई सर सैयद की, ठीक है, सर्विसेज आ गई सर सैयद की। तो सर्विसेज के अंदर सबसे पहली चीज आपकी ट्रिनिटी पॉलिसी है, ये मैंने आपको क्लासेस लेक्चर्स के अंदर भी बताई हुई है, ठीक है, ट्रिनिटी पॉलिसी है। आप ये देखो कि इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह करनी है, ब्लू मार्कर ब्लैक पेन को तो आपने देखा ही है, बट आप ये देखो कि यार ये चीजें जो आपको नंबर दिलवाती है, ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये जो आपकी जो तरीका है इसको जो है प्रेजेंट करने का, बातें वही होती है लेकिन हर बंदा उसको एक डिफरेंट तरह से करता है, तो इनको आप उठाओ, ठीक है। ऐसे में सब हेडिंग्स लिखता था, वो थ्री हुआ, थ्री में क्या आया, सर्विसेज ऑफ सर सैयद डिस्पेलिंग होपलेसनेस, वो हमने बात कर दी है। फॉरन जो है वन, उसके अंदर रिमूविंग फियर एंड अडॉप्टिंग अलूफनेस, ठीक है, वन हो गया, टू हो गया, ठीक है, थ्री हो गया आपकी इस तरह। अब सर सैयद की फिर पॉलिटिकल सर्विसेज के ऊपर आ गया। अब ये देखा है आपने कि मैंने इसके अंदर ए, ए के बाद वन टू थ्री, पहले मैंने उनकी जनरल ट्रिनिटी थ्योरी की बात की, फिर बी, बी का वन, बी का टू, बी का थ्री, ये देखो ये बी आ गया, पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ सर सैयद टू रिवाइव होप, किस तरह हमने होप रिवाइव करनी है। उसी के नीचे मैंने वन कर दिया, ठीक है, मोहम्मद एन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, हिंदू उर्दू कॉन्ट्रोवर्सी आ गई आपकी, ठीक है, उसी तरह ही आपका सर सैयद का रोल ब्रिटिश लेजिस्लेचर के लिए आ गया, अपोजिशन टू कांग्रेस आ गई। ये उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज हैं, जो देखो कितना छोटा मैंने इसके अंदर लिखा है, ठीक है, मैंने शायद चार लाइनें तीन लाइनें लिखी है, इतनी ही आपको लिखनी है, बट ज्यादा से ज्यादा सब हेडिंग्स आपके पास होनी चाहिए। जितना ज्यादा कैटेगराइज करोगे सब हेडिंग्स को, आपको बनाना आ गया, आप कि आपने मार्कर से लिखना है ये किस तरह करना है, और ज्यादा से ज्यादा सब हेडिंग्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि मेकिंग इट, आप गौर करो छोटी सी चीज के ऊपर कि मेरी हर सब हेडिंग के ऊपर उसने टिक मारे हुए हैं, एक एक टिक जो है ना हर सब हेडिंग के ऊपर, आपने ये चीज गौर की होगी, ठीक है। अब द पॉइंट इज कि ये जो बंदा है, ये जो टीचर है, इसका मुझे नहीं पता जो है ना, उसने जो है ना जो चेक की, अब द पॉइंट इज कि उसने इन सब हेडिंग से क्यों लिया, उसके लिए चेकिंग आसान हो गई, उसने जो है ना नंबर आपको ज्यादा दे दिए, और इस तरह आपकी ग्रोथ ऑफ द न्यू क्रॉप ऑफ लीडरशिप आपकी आ गई, और आखिरी आपकी कॉन्क्लूजन आ गई, कैसा सैयद ने किस तरह किया। कॉन्क्लूजन में हमेशा छोटी लिखता था, ये कोटेशन उसके अंदर लिख दी, ठीक है। पार्ट थ्री भी हम चलते हैं जो है ना, इसका क्वेश्चन नंबर टू जो है ना, मैं क्विकली एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में, कि अब ये था शेख अहमद सरहिंदी किस तरह से एंटी इस्लामिक रेटोरिक जो है उसके खिलाफ एक बुलाक, बुलाक क्या होता है, जो वॉल होती है, तो सवाल भी ये होगा कि सर सही है शेख अहमद सरहिंदी ने किस तरह एंटी इस्लामिक रेटोरिक जो है ना वो खत्म किया अपने टाइम में। शेख अहमद सरहिंदी के ऊपर एक कोटेशन से मैंने शुरू किया, इलामा इकबाल की हमने गौर किया, पिछली दफा भी ऐसे ही था, बीच में ब्लैक पेन यूज किया, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने आपको कहा है कि आप नियर पीयर वालों से, नियर पीयर से आप जो है ना वो ले लो आप एग्जाम, तो आपको जो है ना ये वाला पर्टिकुलरली मिल भी जाएगा, ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी हो गई, आपने जो है ना उसके बाद नीचे जो है आपने इसके ऊपर बात की, आपने डिस्पेल करने की, आपने ब्लैक पेन इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। फिर दोबारा आपकी ये आपकी कोटेशन आ गई, कोटेशन को हमेशा बीच में इंडेंटेशन के अंदर करो। ये मेरी इंट्रोडक्शन अब खत्म हो गई, इंट्रोडक्शन के बाद फिर मैंने उसके अंदर अब किसी भी, क्योंकि ये सवाल इस किस्म का, अगर एनर्जी क्राइसिस होता तो शायद मैं बैकग्राउंड ना देता, वाटर क्राइसिस होता मैं बैकग्राउंड ना देता, लेकिन उन्होंने मेरे से पूछा है कि सर सैयद अहमद ने एंटी इस्लामिक रेटरिक किस तरह खत्म किया, तो पहले बताना तो जरूरी है कि एंटी इस्लामिक रेटरिक क्या था उस टाइम पे, तभी हम बता सकते हैं ना कि उन्होंने कैसे खत्म किया। तो अकबर दीन इलाही के ऊपर हमने बात की, सब हेडिंग्स के थ्रू, सब कुछ सब हेडिंग्स के थ्रू करना है, स्ट्रक्चर करना है, वादतुल वजूद की बात की, भक्ति मूवमेंट की बात की, ठीक है, कि उस टाइम पे चल क्या रहा था, जो मैंने आपको अपने लेक्चर्स के अंदर बताया कि प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या थी, ठीक है। उसके बाद फौरन आ गया सर्विसेज ऑफ शेख अहमद सरहिंदी, वो क्या है, सर्विसेज पे बात हो गई, आपने उन्हीं सारों को सर्विसेज बनाया, सब हेडिंग्स हैं, फिर दोबारा गौर करो छोटी सी उसके अंदर जो है ना डिटेल्स आ गई हैं, इन सब हेडिंग्स के ऊपर हमने काम किया है, बीच में ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है, कंटेस्ट की इन्होंने भक्ति मूवमेंट को, लेटर्स लिखे नोबिलिटी को, ठीक है, लेटर्स लिखे जागीर को, नक्शबंदिया ऑर्डर जो है इन्होंने सेटअप किया उस पर हमने बात कर दी, अपोज किया जो है इन्होंने शिया सुन्नी डिवाइड को, सेक्टेरियनिज्म को, और लास्टली जो है ना आपने क्या किया कि जो है लास्टली आपने इसके अंदर कंक्लूजन कर दी, ठीक है, और कंक्लूजन करके अब आपने इसको खत्म कर दिया, ठीक है, और इस तरह करके छोटी सी कंक्लूजन है। एक और मैं आपको अगर क्वेश्चन क्विकली दिखा दूं तो ये सोशल प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की, आपको मिल जाएगा, अच्छी कोटेशन से स्टार्ट हुई, कोटेशन से अब ना भी करो, मैप से स्टार्ट कर लो, इन चीजों से आपने स्टार्ट की, और होपफुली जो है ना आपने इस क्वेश्चन को लेके आपने उसी तरह ही इसको भी अटेम्प्ट करना है जिस तरह आपने बाकियों को अटेम्प्ट किया था, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को देख लो, मैंने आपको जनरली समझा दिया है कि क्या जो है ना इसके अंदर इश्यूज हैं,
कुछ जो है बाकी इसमें जनरली जो है ना थोड़े से इश्यूज भी हैं, बट जो है ना आपके जो सवाल आपके पास है इनको सिर्फ एक एज एन एग्जाम्पल एज ए मॉडल आप रखो बाकियों के लिए, ठीक है। इसको गौर करो, छोटी छोटी चीजों पे गौर करो, कहाँ पेन, कहाँ मार्कर, कहाँ कुछ, कहाँ वो फ्लो चार्ट्स है, कहाँ सब रेटिंग्स है, एंड विद दैट आई शैल जो है ना होपफुली